आपका स्वागत है वीडियो में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईएसएल के बारे में तो आईएसएल में कल दो मैच था पहला मैच था उड़ीसा एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। और ये मैच जीत लिया है चेन्नई ने और फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर उड़ीसा ने अपने होम में चेन्नई के गेस्ट में हारा है कोई मैच और वैसे लग नहीं रहा था कि ये मैच चेन्नई जीतेगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में ऑल्दो चेन्नई ने काफी अच्छे टैक्स किए लेकिन उड़ीसा के पास वो गोल एडवांटेज था और कल के इस मैच में रेफरिंग काफ़ी सही हुआ है हाँ कुछ इधर उधर गलत डिसीजन हुआ है लेकिन रेफरिंग ओवरऑल काफी अच्छा रेफरिंग मैं बोलूंगा और सेकंड हाफ में उड़ीसा ने प्योर डोमिनेशन क्योंकि फर्स्ट हाफ में एकदम नौ, नौ मिनट के अंदर ही पेनल्टी मिला पहला का आरडियोगम ने वो गोल भी किया जेनुअन पेनल्टी थी लेकिन सेकंड हाफ में फारूक चौधरी ने जो लगातार दो गोल स्कोर किया है और उसमें से स्पेशली फर्स्ट गोल तो बहुत अच्छा था सेकेंड गोल कंप्लीट डिफेंसिव एरर और Uh, उड़ीसा के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही था कि दो फोर्स सब्सिट्यूशन एक सेवियर गामा और एक कार्लोस डेल दोनों ही प्लेयर्स को फोर्स सब्सिट्यूट करना पड़ा बहुत ही फर्स्ट हाफ के अंदर ही और उनके जगह में जो दो प्लेयर्स को लाए गए थे चाहे वो मुर्ता फॉलोअर्ज जेडी दोनों ही बहुत ही इनफॉर्म और ज़्यादा टच में नहीं थे तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके वजह से उनका डिफेंस काफ़ी वीक नज़र आ रहा था फिर डैम यू नो डैनियल चीमा चुकी ने सिक्सटी नाइन्थ मिनट पर गोल किया अच्छा गोल था वो फिर बहुत कोशिश किया उड़ीसा ने कंटिन्यूस अटैक किया था उड़ीसा ने लेकिन गोल सिर्फ वो एक ही कर पाए वो रोहित कृष्णा ने वो एकमात्र गोल किया नाइनटी प्लस में जाके वो भी एक हाफ चांस को लेकिन लिटरली एक हाफ चांस को क्रिएट करके उन्होंने गोल किया और एंड में एक और मिला था उड़ीसा को जहाँ पे को पता नहीं कैजुअल थे या वो फिट नहीं है या दौड़ नहीं पाए क्या हुआ लेकिन उनको वो लास्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए था वो गए ही नहीं अगर वो जाते तो एक अच्छा चांस क्रिएट हो सकता था क्योंकि आपको पता है क्या लास्ट मोमेंट है लास्ट अटैक है आपके सामने बॉल है कोई नहीं है और आपको बस ट्राई करना है एक हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन हुआ वो, वो से ट्राई ही नहीं किया होने ही नहीं वाला है तो वो थोड़ा सा देख के खराब लगा यार वो बोल जैसे प्लेयर्स हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते नहीं है नॉर्मली बड़ा जो भी हो इसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते जो हुआ है वो हुआ है फाइनली और चेन्नई ने यह मैच जीत लिया चेन्नई के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टार्ट ही है और देखते हैं कि आने वाले मैचेस में चेन्नई इसी पेस को पकड़ के रख पाते हैं यानी क्या उड़ीसा कम कर पाएंगे यानी ये काफी ज्यादा देखने लायक चीज होगा नेक्स्ट हम लोग बात करते कल के दूसरे मैच के बारे में कल का दूसरा मैच था वो था बेंगलोर एफ सी वर्सेज ईस्ट बंगाल और ये मैच बेंगलोर ने वन जीरो से जीत लिया है टू बी वेरी ऑनेस्ट पहला मैच जितना बढ़िया हुआ है दूसरा मैच उतना ही एवरेज हुआ है दोनों ही टीम ने पता नहीं बड़ा एवरेज काइंड ऑफ गेम खेला है कॉम्बिनेशन बैठा नहीं है प्लेयर के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है और ईस्ट बंगाल तो अलग ही अपना गेम खेल रहा था कल मैं सच बताऊं ईस्ट बंगाल को सिर्फ एक रेड कार्ड मिला है लालचू गंगा को वो भी एट्टी सेंट में जाके बट बत मैं बता रहा हूं मिनिमम तीन रेड कार्ड मिलना चाहिए था पहला मदितलाल को दूसरा लालचू गंगा जिनको मिला और भी मिलना चाहिए था उनको रेड कार्ड क्योंकि जिस हिसाब से फाउल हुआ है सॉरी मदितलाल नहीं मतलब हिजाजी महर को जिस हिसाब से उनको तो चार चार येलो कार्ड मिलना चाहिए था उनका लक अच्छा है कि बस एक येलो कार्ड मिला उनको बहुत मतलब इसको ना एग्रेसिव नहीं बोलूंगा ये गलत फुटबॉल खेल रहे थे ये लोग यार मतलब एग्रेसिव फुटबॉल खेलना अलग होता है वह प्रोफेशनली एग्रेसिव दिखा रहे हो लेकिन यहाँ पे लाइक लिटरली वो ऐसा लग रहा है तो विदाउट बॉल बस घुसे जा रहे तो ऑफकोर्स यार फाउल होगा कार्ड भी देखेंगे वो लोग वो तो अच्छा हुआ कि कम कार्ड देखा ईस्ट बंगाल ने कल और एकमात्र जो गोल किया वो भी फर्स्ट हाफ में आया था वहां पर भी कम्प्लीट

सेम गोज विद बैंगलोर बैगलोर का भी परफॉर्मेंस बहुत कुछ ज्यादा खास रहा नहीं है और यह मैच उन्होंने जीता है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा उनका रहा नहीं मैं बोल नहीं सकता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा काफी एवरेज एवरेज है अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में दोनों टीम का परफॉर्मेंस कैसे क्या हम लोग को इंप्रूवमेंट देख पाते हैं या नहीं नेशनल बात करते हैं आज के मैच के बारे में तो आज का जो मैच है वो है नॉन अदर दैन केला ब्लास्टर्स एफ सी वर्सेज पंजाब एफ सी पंजाब साल कंसिडर किया जा रहा है कि वह अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे क्योंकि लास्ट सीजन के सेकेंड हाफ में पंजाब का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था तो उम्मीद कर ही सकते कि अरे इस सीज़न स्टार्टिंग से ही पंजाब अच्छा खेले क्योंकि उनको इस साल टाइम भी मिला है टीम को सेलेक्ट करने का दूसरी तरफ केरला के लिए हर साल ही जीतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वैसे उन्होंने ज़्यादा कुछ जीता नहीं है अभी तक और अचीवमेंट चाहिए होता है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते बड़ा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के लिए कि एक सीज़न में अच्छा स्टार्ट मिले सेम गोज विद पंजाब उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो सीज़न का स्टार्ट है वो अच्छा और ये केरला के ऊपर से होम मैच है तो उनके उनके पास वो होम सपोर्ट रहेगा तो आई थिंक कोशिश करना चाहिए कि यार ये जीते ये मैच और आपको पता है यार केरला का होम सपोर्ट कितना बेहतरीन होता है सो देखते हैं कि इस मैच के केरला फाइनली क्या होता है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चेन्नई एनसी के ही बारे में तो चेन्नई एनसी ने पूरा कोशिश किया था मदितलाल का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए और ओएन कोइल ने पर्सनली मदितलाल के साथ बात किया था ताकि उनका साइनिंग वो कंप्लीट कर सके उनको उन्होंने समझाया भी था कि क्या प्लान है चेन्नई ए क्या प्लान के साथ फ्यूचर में बढ़ रहे लेकिन ईस्ट बंगाल की तरफ से जो ऑफर था कुछ ज्यादा ही बढ़िया था और मदी तलाल ने ईस्ट बंगाल को ही चूज किया जो कि लाइक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो बेटर ऑफर करेगा उसी को चूज करेंगे मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेशनल प्लेयर यही करते हैं वो फॉरन प्लेयर है चैरिटी कर रहे हैं पे कोई नहीं आया मतलब सी चेन्नई के पास बजट आपको पता है चेन्नई के पास हर साल बजट काफी सबसे कम रहता है एक्चुअली में तो इस साल भी वही सेम चीज़ इसके वजह से वो मदी तला का साइनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए बट टीम तो चेन्नई का बहुत सही लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के सो so, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है उनका नेक्स्ट मैचेस में क्योंकि फर्स्ट मैच उन्होंने तो कंप्लीट डोमिनेट करके जीता है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोहन बगान सुपरचाइट्स के बारे में तो सबको शॉक करते हुए लाइक like, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट मार के मोहन बगान ने एक और फॉरेन प्लेयर का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है और इनका नाम है नूनो रीएस और ये डिफेंडर है तो तीन तीन डिफेंडर तो वो खिलाएंगे नहीं तो मुझे इतना लगता है कि शायद अल्बर्टो रोड्रिगस का जो इंजरी है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो सकता है वरना आप सोचो कि सो so, वो भी हो सकता है कि यार वो इंजर्ड हो और लाइक बट But... सेम मतलब एक चीज हजम नहीं हो रहा है कि नूनो रियस का साइनिंग जो तो मोहम्मन कंप्लीट करने वाला था तो ये एंड मोमेंट में ये फ्लिप कैसे मारा उन्होंने क्या मतलब गजब कर दिया कोई एंड नहीं है एक और जो पॉसिबल चीज़ हो सकता है कि टॉम ऑलडर्ड काज बिकॉज फॉर्म बहुत अच्छा चल नहीं रहा है तो उनको रिप्लेस करेंगे वो लोग बट अभी सात फॉरन प्लेयर्स हो चुके हैं और वैसे मोहन बगान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लाइक यू नो साथ, -साथ फॉरेन प्लेयर्स रखते हैं बैकअप में फॉरेन प्लेयर वो लोग रखते हैं डिफेंस का हालत सही नहीं है लेकिन फॉरेन डिफेंडर उनको चाहिए नहीं था उनको चाहिए था एक अच्छा वो इंडियन डिफेंडर लाए और नो 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 डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है यार मतलब वो स्पोर्टिंग के यूथ से प्लेयर उठे नो मेलबर्न में खेला उन्होंने लीगा टू में खेला खेला बहुत जगह में उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन लाइक पता नहीं मोहन बगान इज मोहन बगान तो मोहन बगान ने मोहन बगान जैसा एक साइनिंग कम्प्लीट कर लिया वो भी अचानक से मोहम्मद के मुंह से छीन के साइनिंग कम्प्लीट किया है और देखते हैं कि किस हिसाब से क्या होता है क्या वो मेन टीम में रहेंगे रहेंगे तो ज़रूर रहेंगे तो किस प्लेयर को रिप्लेस करने वाले मुझे इतना लगता है कि अल्बर्ट रोड्रिगस को रिप्लेस करने का चांसेस ज़्यादा है सब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एफसी गोवा के बारे में तो काल मैख्यू जो कि इंजर्ड थे और लाइक वो खेल नहीं रहे थे का ट्रॉफी भी वो नहीं खेल रहे थे लेकिन फाइनली कार्ल मैक्यू इज बैक फॉर ए गोवा इन दर एस एल और लाइक वो फिट है पहला मैच भी खेलने वाले ये खुद कंफर्म कर दिया गया है ऑफिशियली तो काल मैकू को का हम लोग फाइनली एससीगोआ का होते हुए खेलते हुए देख पाएंगे इस सीजन में भी और लग रहा था कि इंजर्ड है तो क्या फर्स्ट कुछ एक दो मैचेस मिस करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला इसी की वजह से उनको का ट्रॉफी में खिलाया नहीं गया क्यार वो प्रिजर्व रहे फिट रहे वो इंपॉर्टेंट है टीम के लिए क्योंकि आई एस एल बंदूरका ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या फर्क पड़ता है जीत तो लिया एससी गोवा ने का ट्रॉफी तो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ लेकिन हाई सेल में डेफिनेटली काल मैक्यू का रोल डिफेंसिव मिडफ़ील्ड वाले पोजिशन में

लास्ट सीजन ने दिखाया कि यार वो अच्छा टीम है स्ट्रॉन्ग टीम है और वो परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं सॉलिड सो उसी चीज़ को आई थिंक हम लोग को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये मैच अच्छा होने वाला है बार्सिलोना बारह सौ खतरनाक फॉर्म में चार मैच चारों ही जीता है नेक्स्ट लेवल गेम है उनका और ये मैच है आज सात बज के पैंतालीस मिनट में तो हांस फ्लिक का ये नेक्स्ट टारगेट है देखते हैं कि इस ऑप्शेकल को हांस फ्लिक कैसे डील करते हैं या फिर वो डायरेक्ट उड़ा ही देते हैं सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा सो गाइस आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद कर वीडियो को लाइक करना शेयर करना उसके बीच में एनगार्म ने चैनल को सब्सक्राइब कर दूर एंड का कर ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए